स्मार्टफोन कितने भी स्मार्ट क्यों न हो गए हों, लेकिन आज भी बैटरी औसत से थोड़ी ही अच्छी हुई है। आपके पास हो आईफोन या फिर एंड्रॉयड, दिन ख़त्म होते होते बैटरी हाँफने लगती है। अमूमन हम ऐसे में क्या करते हैं, केबल उठाई और चार्जिंग पोर्ट में घुसेड़ दी, बेफिक्र बिंदास बिना किसी टेंशन के। यही बेफिक्री आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जी हाँ, स्मार्टफोन हैक हो सकता है। तकनीक की भाषा में इसको कहते हैं जूस चेकिंग। कोई भी पब्लिक प्लेस, मसलन रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रो, बस स्टैंड, होटल, रेस्तरा, ऑफिस, आसान शब्दों में कहें तो ऐसी कोई भी जगह जहां बहुत से लोग अपना फ़ोन चार्ज करते हैं और वहां यूएसबी चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं, तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूस चेकिंग कोई नया शब्द नहीं है। 2011 में सबसे पहले ये शब्द सामने आया था। अब जूस क्यों? तो आम भाषा में हम कहते हैं ना कि अभी बैटरी कितनी बची है, यानी कितनी पावर बची हुई है। चार्जर से होने वाली हैकिंग कितने ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट को मैकटेंस नाम का एक यूएसबी चार्जर मिला जो आईफोन में मालवेयर डाल सकता था। साल 2019 में तो अमेरिकी सरकार ने बाकायदा इसके लिए चेतावनी भी दी थी कि हो सके तो पब्लिक प्लेस पर यूएसबी चार्जिंग से बचिए। आजकल स्मार्टफोन में सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन आता ज़रूर है, लेकिन साइबर अपराधी क्रॉलर प्रोग्राम के जरिए सेंध लगा सकते हैं। क्रॉलर प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले यूएसबी चार्जिंग के पास चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी आप कोई स्मार्टफोन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से चार्ज करते हैं तो स्मार्टफोन पर कई ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे सिर्फ चार्जिंग, डेटा ट्रांसफ़र, मीडिया प्ले या फिर चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र। मतलब कोई एक ऑप्शन तो आप चुनते ही हैं। अगर आपने सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन चुना है तो हैकिंग के चांस कम है, लेकिन ख़त्म नहीं। क्रॉलर प्रोग्राम वास्तव में एक किस्म का बोट है जिसको स्पाइडर रोबोट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अपने नाम के अनुसार ये बहुत धीमे चलने वाला प्रोग्राम है जो गूगल और दूसरी वेबसाइट इस्तेमाल करती हैं कॉन्टेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी प्रोग्राम में सेंध लगाते हैं साइबर अपराधी, खासकर जीरो डे वाले दिन। तकनीक में ये वो दिन होता है जब कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर में बग्स का पता नहीं लगा पाती हैं या फिर देर से लगा पाती हैं। स्मार्टफोन है तो उसमें गूगल से लेकर तमाम वेबसाइट ज़रूर होंगी। आपकी किस्मत ख़राब हुई तो ज़ीरो डे वाला दिन हुआ तो सेंध लगना तय है। अब ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि जब भी किसी यूएसबी पोर्ट में आप अपना स्मार्टफोन लगाते हैं तो उनके बीच एक पाथ बनता है और यही पाथ या रास्ता हैकर्स हेवन यानी कि ठगों का स्वर्ग है। अब इसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही है, इसलिए समझते हैं कि इससे बचना कैसे है। सबसे पहले स्मार्टफोन का चार्जर ही इस्तेमाल करें। अब हम सब आलसी हो गए हैं, हम अक्सर सिर्फ केबल साथ में लेकर चलते हैं। केबल के साथ चार्जर भी कैरी कीजिए, हो सके तो एक और चार्जर खरीद सकते हैं। आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खुद का यूएसबी पोर्ट बन जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का पावर बैंक से एक स्मार्टफोन कम से कम दो बार तो चार्ज करने के काम आएगा ही। अपनी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी आपके हाथ में है। जी हाँ, अगर पब्लिक प्लेस पर यूएसबी चार्ज करना ही पड़ रहा है तो फ़ोन लॉक रखें। आजकल के स्मार्टफोन में बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन इनेबल होता है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र ब्लॉक रहता है, इसलिए हैकिंग के चांस कम हो जाते हैं। अगर ये ऑप्शन बंद है तो सेटिंग्स में जाकर ऑन कर लें। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा करना कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हैकर स्मार्टफोन लॉक होने पर भी स्टोरेज तक पहुँच सकते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो स्मार्टफोन स्विच ऑफ होने के बाद भी सर्च किया जा सकता है, तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ऊपर के तीन उपाय से आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट ट्रैवल करते हैं तो ये डिवाइस खरीद सकते हैं। आपके नाम के हिसाब से ये डेटा चोरी रोकने का काम करता है, मतलब यूएसबी से सिर्फ पावर ट्रांसफ़र होगी जैसे आपके स्मार्टफोन की वॉल चार्जर से होती है। तो ये जानकारी आपको देने का मतलब था कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये ठग किसी के भी सगे नहीं होते। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।